चलिए घुमा के लाता हूँ अभी बढ़िया। मैंने मुंह पूरा धो लिया हूँ, खाना भी खा लिया हूँ। बियर्ड ट्रिम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि एडिट शूट यही सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे ही टाइम लगेगा तो इसको भी काट लिया जाएगा। मम्मी को लगना तो चाहिए ना यार कि मेरा बेटा आया है, मेरा राजा बाबू, मेरा एकदम मतलब लगना चाहिए मम्मा को कि मेरा बेटा है। तो स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा हमारी मन्नतों वाली महाकाली जी की। कजरवारा वाली महाकाली जी का भी इसी वीडियो में दर्शन होगा, उमरिया की महाकाली जी का भी इसी वीडियो में दर्शन होगा। तो इस वीडियो के लिए लाइक्स एम का टारगेट 1200 है, कंप्लीट करो यार। आप लोग अगर एक एक बंदे भी लाइक कर दोगे तो भाई 3-4 हज़ार लाइक्स चले जाएंगे। 1200 लाइक्स आप लोग के लिए कुछ नहीं है, प्लीज़ कीजिए। आपके लिए मैं इतनी सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ और मेरे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बैठिए गाड़ी पे और चलते हैं हम। लाइक ज़रूर कीजिएगा 1200। और एक बात, मुस्कुराइए क्योंकि आप रोहित की वीडियो में हैं। मुस्कुराना जीवन की पहली जरूरत है। मुस्कुराते रहो दोस्त, मुस्कुराते रहो। कपड़ा गिर गया है, चलिए धूप उगी है। इतना लगे धूप उगी रहे तो सही है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत अभी भी। नहीं यार आज नहीं रख, निकाल दिया। चलो आ जाऊंगा जल्दी। जय श्री राम। गुड आफ्टरनून जी। आज ये इतनी चमकदार धूप देख के आप ये मत सोचिएगा कि मेरे शहर जबलपुर में ऐसी धूप हो रही है। नहीं, बिल्कुल लालच लगाइएगा मत क्योंकि ऐसी धूप हो नहीं रही है, अभी हुई है केवल। मेरे को लगता है 10-15 मिनट के लिए होगी, फिर मौसम बदल जाएगा। जरूरत है इस धूप की। सबसे पहले तो मैं अपने सारे भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं और मेरे लाइक्स का टारगेट भी पूरा करते हैं। आपकी वजह से ही मैं आज यूट्यूब पे खड़ा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ आप लोग मिलते हैं और क्या बातें करते हैं हम लोग, मजा आता है। जबलपुर के कोने कोने में चप्पे चप्पे पे आज आई रोहित का नाम है, बच्चों बच्चों की जुबान पे। अच्छा लगता है यार सुन के। थैंक यू आपके इस प्यार के लिए, मैं आपका दिल कभी तोड़ूंगा नहीं। एक बात ये है ना, एक्चुअली क्या है कि जब तक मैं स्कूल में था और जब तक मैं कॉलेज में था, मुझको ना अपनी तारीफ सुनने का कभी मौका ही नहीं मिला है जीवन में। और जैसे मैं अभी यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वर्क करता हूँ, तो भी मतलब ऑपोजिशन का मुझको बहुत सामना करना पड़ता है। बहुत लोग मेरी बुराइयां करते हैं पीठ पीछे, सोशल मीडिया पे ये कलाबाजियां चलती रहती हैं। ऐसे में आप लोग अनजान हो मेरे से मतलब, तो आप लोग आके तारीफ करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे मोहल्ले वाले पड़ोसी वाले सब हमेशा, चाहे मैं स्कूल में था चाहे मैं कॉलेज में था, हमेशा मेरी दोस्ती मतलब ऐसे जबलपुर के खतरनाक लड़कों से रही है कि सब यही बोलते थे कि ये तो ऐसा ही है, इसकी दोस्ती भी ऐसे ही लड़कों से है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं। हालांकि पढ़ते थे, एवरेज स्टूडेंट थे हम अपने स्कूल में भी कॉलेज में भी, लेकिन चलिए वो सारी बातें हो गई। अभी एप्रिसिएशन मिल रहा है तो अच्छा लगता है। थैंक यू यार, आप ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। माता जी के दिन करीब आते जा रहे हैं और लगभग रास्ता काफी खाली खाली लग रहा है। देख रहे हैं दोपहर का अभी 2:30-3 बज रहा है और धूप उतनी तेज हुई नहीं लेकिन फिर भी रास्ते बहुत खाली। हाँ तो दिन में बोल रहा था करीब आते जा रहे हैं और लगभग सभी पंडाल में देवी जी कलर होती जा रही है। आज मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा। जय श्री राम। नहीं हम हमेशा ही ले के घूमते हैं। लीजिए जी, हम पहुँच गए हैं निशांत और छोटे सुनील टार्जन जी के पंडाल में। 1, 2, 3, 4, 5 महाकाली जी यहाँ पे अभी वाइट वॉश होके कंप्लीट हैं। 2 बड़ी महाकाली जी में ये लोग ब्लैक कलर जो मैट फिनिश होता है वो कर दिए हैं और एक छोटी महाकाली जी में भी हो गया है और बहुत तगड़ा काम है इनका, मतलब मज़ा आया देख के। और एक चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा लेकिन फिलहाल थोड़ा आप करीब से देखिए मन्नत वाली महाकाली जी को। No, no.
जो बात बताने के लिए मैं आपको बोल रहा था वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं कई पंडालों में गया हूँ, आपको तो पता है, आप डेली वीडियो देखते हैं, लेकिन ये चीज़ पता नहीं, मैं और जगह ध्यान दिया नहीं कि वो लोग करते नहीं, लेकिन मुझको लगता है कि यहाँ ये चीज़ होती है। वो चीज़ ये है कि देखिए देवी जी जो ऊपर ये हैं मन्नतों वाली महाकाली जी, ये देखिए काले कलर का ये धागा पहनाया गया, या फिर देवी जी के हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो काला कलर ये पेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि किसी की बुरी नज़र ना लगे। और ये लोग यहाँ पे जब काम करते हैं ना, मैंने देखा हूँ काफ़ी ज़्यादा सफाई रखते हैं, और कई पंडालों में ऐसा कि कहीं भी जूता चप्पल पहन के चले जाते हैं, पटे पे ऐसे ही चढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए ये पूरी चप्पलें यहाँ पे उतारे हैं, मैं भी जब पटे पे खड़ा हूँ तो चप्पल उतार के खड़ा हूँ, ये सारे लोग चप्पल यहाँ पे उतारते हैं, उतारने के बाद ये लोग अंदर जाके यहाँ पे काम करते हैं। ये वाली जो देवी जी आप देख रहे हैं, ये वाली देवी जी जाएंगी कजरवारा, ये देवी जी जाएंगी शहपुरा और कजरवारा जो देवी जी जाएंगी ना, लगभग सेम ही पैटर्न है दोनों देवी जी का। तारजन भैया का जो काम है ना यहाँ पे, मतलब मैं इस पंडाल में आके देखता हूँ, जो ये भैया काली जी का फेस बनाते हैं तो वो तो टोटली डिफरेंट है, काली जी का फेस, प्लस जो ये शंकर जी का फेस बनाते हैं भैया, मतलब मैं पिछली बार भी कवर किया था, इस बार भी कवर किया था, तो काली जी के फेस में और शंकर जी के फेस में अलग इनके हाथ में कला है। आप देखेंगे, देखिए शंकर जी का फेस देखिए कितना प्यारा बनता है, मतलब बहुत प्यारा लगता है, कलर के बाद और अच्छे लगेंगे। अगर आप काली जी का फेस भी देखेंगे तो देखिए कितना प्यारा काली जी का फेस बनाते हैं, बहुत कम पंडाल में आपको ऐसा देखने मिलेगा चेहरा। ये हैं चंकी भैया यहाँ के ओनर, देखिए काली माता में आईज़ खोल रहे हैं, और भैया बहुत प्यारी आईज़ खोलते हैं। अभी मैं आपको देवी जी का एक दिखाऊंगा, आई खोले हैं इन्होंने, ये अभी काली जी में बना रहे हैं, और ये देवी जी का आईज़ इन्होंने खोले हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, आप बोलेंगे कहीं से भी मूर्ति हैं। और ये एक मूर्तिकार भाई भी है, मैं अगर आपसे झूठ बोलूँगा तो ये बताएगा, क्यों मैं मूर्ति देख के आँख में आंसू आए थे कि नहीं, मतलब रियल में मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी प्यारी मूर्ति लग रही भाई, देख के मेरी आंखें भर आई थी, बहुत प्यारी आंखें, माता का होठ देखिए, आंख देखिए, बहुत प्यारी मूर्ति यार, आईब्रो भी इतनी ही गजब की बनाए हैं भैया ने। ये देखिए धूप ना होने का नतीजा, गैस से सुखाई जा रही हैं मूर्तियां, आप देखें क्या ये चीज़, अलग टेक्निक है ये भी मैं इससे पहले देखा नहीं था, जब मैं वीडियोज़ शूट करने आने लगा ना तब मुझको ये चीज़ पता चलने लगी, बहुत अच्छा तरीका है ये भी मूर्ति सुखाने का। ये है मन्नत वाली महाकाली जी, और इनके सामने है ये रज्जन डेयरी की महाकाली जी।
शंकर जी का जो मैंने शॉट लिया था तो शंकर जी का हेड ओपन था, अभी देखिए ये लोग ढक दिए। ये भैया जो है ना मूर्तिकार, जब ये काम करते हैं तो किसी से बात नहीं करते हैं, ऐसा लगता है मुझको पहचानते ही नहीं, क्यों देखते ही नहीं मेरी तरफ, देखिए बिल्कुल जब काम में ध्यान देते हैं तो काम ही में ध्यान देते हैं, बहुत बढ़िया, एक बिल्कुल मन लगा के काम करते हैं ये। जितने भी मूर्तिकार रहते हैं सब लोग अपने काम का रखते हैं कि डेडलाइन, हमको इस दिन इस दिन इस दिन कंप्लीट करना है ये मूर्ति, या फिर समिति वाले बोलते हैं कि हमको इस दिन मूर्ति चाहिए, तो कई मूर्तिकार ऐसे हैं कि जो डिले कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा हूँ जब भी टाइम जो भी कोई समिति वाला दिया है कि इस तारीख को हमको मूर्ति उठाना है, तो भैया चाहे कितना भी काम ले लें कितना भी, लेकिन जो टाइम देते हैं उसी टाइम पे मूर्ति उठती है। मतलब अब देखिए मन्नत वाली महाकाली जी 26 तारीख को इनका डेट था, मूर्ति तैयार थी नहीं लेकिन बहुत जल्दी तैयार की, और केवल तैयार नहीं किए क्या विशाल रूप में तैयार किए हैं, खूबसूरती भी मतलब बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर हर चीज़, लेकिन उसके बाद भी टाइम से मूर्ति तैयार हो गई। यहाँ आए मुझको एक घंटे से ऊपर हो गया, और जब मैं यहाँ पे आया था मैं आपको बताया ना कितनी तेज़ धूप हो गई थी, सिर्फ बताया नहीं दिखाया भी हूँ, लेकिन अभी जो मेरे पीछे आपको मूर्ति दिख रही है ये मूर्ति पॉलीथीन से ढक दी है, क्यों, क्योंकि मौसम में अभी काफ़ी ज़्यादा नरमा नरमी आ गई, मैं सोच रहा था कि मौसम खुल जाए तो ये लोग पॉलीथीन खोलें, तो मैं आपको करीब से दिखाऊँ क्योंकि ये मूर्ति बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाए हैं। इस बार यहाँ पर दो मूर्तियाँ स्पेशल हैं, हमारी मन्नतों वाली महाकाली जी और ये उमरिया की महाकाली जी, मतलब इसमें देवी जी चेस्ट फाड़ते हुए राक्षस का दिखाई गई हैं, अब मैं आपको दिखाई नहीं पा रहा हूँ क्योंकि देखिए ना आप पूरा पॉलीथीन ढक दिए हैं, पूरा पॉलीथीन से ढक दिए हैं बारिश की वजह से। वैसे तो मैं जिस भी पंडाल में जाता हूँ वहाँ मुझको बहुत प्यार मिलता है, लेकिन यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझको फीलिंग आती है एक परिवार की, हमेशा ही से, क्योंकि कभी भी यहाँ पे आया मेरे को ऐसा पराया जैसा फीलिंग नहीं लगा। यहाँ पे आके मैं वीडियो शूट कर रहा था, पहले मैंने चाय भी पिया, उसके बाद मैंने एपिफिस पिया, उसके बाद मैंने स्प्राइट पिया, उसके बाद मेरे को खाना भी मिल रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं भैया खाना नहीं खाऊंगा, बस इतना कर लिया मैंने, बहुत है, मतलब अच्छा प्यार मिलता है इस पंडाल में, बहुत बढ़िया भैया का नेचर है और बहुत अच्छी कलाकारी भी है, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, मतलब सारी चीज़ें, जैसे हम वीडियो बनाते हैं ना, हम वीडियो बनाने में माहिर हैं ना, वैसे भैया मूर्तियां बनाने में माहिर। आज किस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद, होप क्या भाई पसंद ही आई होगी, रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये, 1200 लाइक्स देना है आपको, बहुत दिन से आप लाइक्स कर नहीं रहे हो यार वीडियो को, अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो फिर कलर की वीडियो नहीं लाऊंगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इन्जॉय कीजिए। मौसम देख रहे हैं आप कितना अंधेरा होता जा रहा है, देखिए पूरे बादल काले होते जा रहे हैं भाई, आपको देखिए वीडियो में भी समझ में आ रहा है, उड़ रहे हैं बादल। ये देवी जी को अब ढकना पड़ेगा, दो देवी जी यहाँ हैं, दो देवी जी बाहर हैं, तो पॉलीथीन लगा दिया गया है, ये पॉलीथीन को ऊपर किए हैं लेकिन अभी ढक देंगे। ये लड़के लोग लेके जाने लगे डंडा, वो उधर लेके जा रहे हैं, वो एक डंडा आपको दिख रहा है ना, एक इसने पकड़ा है, ये पूरा पॉलीथीन अब नीचे कर दिया जाएगा, मिलो